जिस किसी के पास भी टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा है ना दोस्तों, तो हमारे पास क्रूज कंट्रोल उसका आ चुका है विथ 100% एक्टिवेशन के साथ है। आप देख सकते हैं क्रूज का सिंबल भी आ रहा है और वाइल रनिंग ऑल्सो ये 100% एक्टिवेटेड के साथ है। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है। जिस किसी को भी क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करना है ना टोयोटा हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में, हमारे पास अवेलेबल है। आप कभी भी आके इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का काम है। ये कार में हमने क्या क्या अपग्रेड्स किए हुए हैं, सबसे पहले ये कार के अंदर जो हमने प्लेयर इंस्टॉल किया है वंस अगेन कास्का विथ 2K क्यूलेट डिस्प्ले के साथ, एंड्रॉयड वर्जन 13 है, एप्पल कार प्ले वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो इसके अंदर वायरलेस है, ऑक्टा कोर विथ DSP एंड 4G सिम के स्लॉट के साथ है। अभी इसके स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। CPU आप चेकआउट कर सकते हैं विथ द कॉलकॉम है दोस्तों। स्पीड DDR6x128 है, खास करके इसका रेजोल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हैं 2000x1200 है दोस्तों। स्क्रीन क्यूलेट डिस्प्ले है, 9 inches एंड 10 inches में ये रेडी है विथ 4G सिम स्लॉट के साथ है। DSP आप चेकआउट कर सकते हैं, 48 बैंड इक्विलाइजर है दोस्तों इसके अंदर, 75x4 आउटपुट के साथ है विथ 5.1 चैनल है। ये है हमारा कास्का 2K क्यूलेट डिस्प्ले के साथ है। ये कार के अंदर हमने द न्यू इंट्रोड्यूस कॉम्पोनेंट बाय द हर्ट्स, ये लिमिटेड गोल्ड साउंड एडिशन के स्पीकर्स हैं हर्ट्स के, जो हमने इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट में कॉम्पोनेंट इंस्टॉल किए हैं जिसकी MRP 19,900 है, और यस दोस्तों डिस्काउंट भी है आपको। और रियर में हमने इसके कोएक्शियल इंस्टॉल किए हुए हैं और इसकी MRP 8,000 रुपीज़ आती है दोस्तों। लेकिन जो कास्का है 2K क्यूलेट, उसकी बात कुछ और है। इंटीरियर ये कार के अंदर हमने आइस पर्ल कलर का किया है। हम डोर की लेदर रैपिंग किस तरीके से करते हैं आप लोगों के सामने है, स्टिचिंग जॉब भी देख सकते हैं। ये कार में कुछ मिसिंग है, इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने इंस्टॉल नहीं किए, और हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ ना, इंटीरियर स्टाइलिंग किट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है दोस्तों। फ्रंट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारी डोर की लेदर रैपिंग और आइस पर्ल कलर ऑल टाइम फेवरेट है। इंटीरियर स्टाइलिंग किट ये कार में नहीं इंस्टॉल की है। सीट कवर की हमारी फिट फिनिशिंग बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, फुल आइस पर्ल कलर के सीट कवर हमने इंस्टॉल किए विद द सेंटर परफोरेशन के साथ। ये कार के अंदर हमने स्टेयरिंग का लेदर रैप किया है। डैशबोर्ड की हमारी लेदर रैपिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और खास करके स्टिचिंग जॉब भी आप देख सकते हैं। प्लेयर हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है कास्का 6x128 दोस्तों, 2K क्यूलेट डिस्प्ले के साथ है, और यस ये यूट्यूब रन हो रहा है। क्वालिटी ऑफ पिक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं, अब तो 480p पे है। मैं एडवांस में जाना चाहूँगा और यस 2160 पे मैंने क्लिक किया हुआ है। तो ये जो है वीडियो सपोर्टेड 2K क्यूलेट डिस्प्ले के साथ, 8K वीडियो के फॉर्मेट्स के साथ भी ये सपोर्ट करता है। साउंड सिस्टम अल्टीमेट है, 5.1 चैनल अल्टीमेट है दोस्तों। लेकिन इसकी जो यूट्यूब की जो बात है, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्वालिटी 2160 पे ये चीज़ रन हो रही है। और दोस्तों ये जो वॉल्यूम के बटन्स हैं ये हिडन है, कोई भी आप एंड्रॉयड प्लेयर में आप देखोगे तो यहाँ आते हैं। अब मैं होम स्क्रीन में जाना चाहूँगा, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ईच एंड एवरीथिंग इज वायरलेस दोस्तों इसके अंदर। होम स्क्रीन भी इसकी आप चेकआउट कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट जो हर वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, इसके अंदर हाई फाई DSP है, रेगुलर DSP नहीं है, डिजिटल सराउंड ऑन एंड ऑफ है, 5.1 चैनल है दोस्तों इसके अंदर। ये कार में सेंटर स्पीकर का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वो भी हम इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन ये 10.4 इंचेस की स्क्रीन आपको आती है। लेकिन हाई फाई DSP एंड डिजिटल जो सराउंड है ऑन ऑन ऑफ बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हर्ट्स के कॉम्पोनेंट, हर्ट्स के कोएक्शियल इंस्टॉल किए, और यस दोस्तों क्रूज कंट्रोल आप चेकआउट कर सकते हैं, 100% एक्टिवेशन के साथ है। आप क्रूज का सिंबल भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी ऑन है, मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये रिलीज होने के बाद ऑफ हो जाता है, और आफ्टर द वर्किंग ऑल्सो हर चीज़ परफेक्ट है इसकी। तो क्या दोस्तों किस बात का इंतज़ार है, जिनको क्रूज लगाना है आके लगा सकते हैं, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास रेडी है। वंस अगेन टोयोटा हाई राइडर विद द सुपर लग्जूरियस इंटीरियर एंड 18 इंचेस एन लाइन के अलॉय व्हील। दोस्तों मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में टोयोटा हाई राइडर है ना, उसमें 18 इंचेस के अलॉय व्हील काफ़ी शानदार दिखते हैं,
और दोस्तों शानदार के साथ साथ ये परफॉर्मेंस अलॉय व्हील्स आते हैं। एक इसका लुक देखिए, एक स्टैंड आउट देखिए। साइड प्रोफाइल में एक अलॉय व्हील कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आप लोगों के सामने है, और ये अलॉय व्हील किस तरीके से लगा है कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रंट प्रोफाइल में ये कार के अंदर हमने प्रो 7 की 180 वॉट्स की हाई पावर LEDs इंस्टॉल की हुई है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर लाइट की थोड़ा सा इशू हर कार के अंदर रहता है, अगर सॉल्यूशन है तो प्रो 7 है। अब आना चाहेंगे इंटीरियर में। वंस अगेन ये कार का जो इंटीरियर है हमने ग्लोरी वाइन कलर का किया है। हमारी डोर की लेदर रैपिंग देखिए, स्टिचिंग जॉब देखिए, परफेक्शन देखिए कि हम किस तरीके से डोर को लेदर रैप करते हैं। इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की इंस्टॉल की हुई है। एक एक हमारी सीट कवर की फिटमेंट फिनिशिंग देख सकते हैं, और ग्लोरी वाइन जो है हमारा नहीं है, हर कस्टमर का फेवरेट बन चुका है। फ्रंट में भी डोर की हमारी लेदर रैपिंग, एक एक स्टिचिंग जॉब, जो सॉफ्ट टच है, हर वक्त मैं एक ही बोलता हूँ, एक लग्जूरियस कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करना है, एक लग्जूरियस फील कराना है कस्टमर को कि ये कस्टमर जो प्लास्टिक की ट्रिम के साथ किस तरीके से चला रहे थे, एंड आफ्टर द अपग्रेडेशन किस तरीके से ये कार लगती है। सीट कवर की हमारी फिट फिनिशिंग बकेटिंग आप देख सकते हैं, विद द सेंटर परफोरेशन के साथ है, क्रॉस स्टिच पैटर्न के हमने ये कार के अंदर सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। ये है ग्लोरी वाइन। हमारी मैट्स की भी फिटमेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्लोरी वाइन पिरामिड स्ट्रक्चर विद ब्लैक के साथ, हनीकॉम्ब अपहोल्ड्स के साथ। ये कार के अंदर हमने स्टेयरिंग भी अपग्रेड किया हुआ है, तो मस्कुलर डी कट स्टेयरिंग भी इंस्टॉल किया हुआ है विद द मसल मोल्ड्स के साथ है, क्योंकि ड्राइविंग का असली प्लेजर ये स्टेयरिंग ही है। हमारी डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं, परफेक्शन स्टिचिंग जॉब आप लोगों के सामने है। छोटी सी चीज़ है लेग पैड का एरिया, वो भी आप देख सकते हैं। इंटीरियर स्टाइलिंग किट दोस्तों, एसी के वेंट्स भी आप देख सकते हैं, हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के ही इंस्टॉल किए, लेकिन खास करके हमारी डोर की लेदर रैपिंग, सीट कवर, डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कार के अंदर जो स्पीकर्स एंड कंपोनेंट भी है हमने रॉकफोर्ड फॉस्फेट के ही इंस्टॉल किए हुए हैं। मस्क्यूलर डी कट स्टीयरिंग एक नेक्स्ट लेवल है, और ये कार स्पेशली हमारे इंटीरियर के लिए आई हुई थी जो ग्लोरी वाइन कलर का है, और 18 इंचेस के तो वीडियो इन्होंने देखे ही थे। तो आज का ये वीडियो आपको किस तरीके से लगा है दोस्तों, और ग्लोरी वाइन आपको किस तरीके से लग रहा है, हम जो बैक टू बैक आपको वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोरी वाइन के, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। तो आज का वीडियो आपको किस तरीके से लगा है कमेंट ज़रूर करना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स।